जय माता जी। दोस्तों आप देख रहे हैं धर्म भक्ति। दोस्तों शनिवार का दिन शनि देव का दिन माना जाता है। शनि जो है जातक के जीवन पर पॉजिटिव और नेगेटिव अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव डालता है। नकारात्मक प्रभाव जो है दोस्तों बहुत ही घातक होते हैं क्योंकि वे किसी भी व्यक्ति के जीवन में गंभीर अशांति लाते हैं। मित्रों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शनिवार के कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करने से किसी भी प्रकार के समस्या का हल आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति शनि की साढ़े साथी या शनि ढैया से गुजर रहा है तो बस शनिवार के दिन कुछ उपाय करके शनि के अशुभ प्रभावों से छुटकारा पा सकता है। जो लोग शनि ढैया साढ़े साथी या शनि दोष से प्रभावित होते हैं उनके लिए शनिवार को कुछ ऐसे उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं जिससे जातक की कई परेशानियां खत्म होती है अर्थात खत्म हो जाती है। कैसे अनैतिक कार्य में लिप्त रहे या उसे किसी प्रकार की धन हानि होती है तो उन दोषों से भी इन उपायों को करके बचा जा सकता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों शनिवार के दिन कौन से वो सरल उपाय किए जाने चाहिए जिससे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों प्रत्येक शनिवार को आटा काला तिल चीनी का मिश्रण तैयार कर उसे चींटियों को खिलाना चाहिए। शनिवार को सूर्यास्त के समय काले घोड़े की नाल या नाव की कील से अंगूठी बनाकर मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए। शनि देव की नाम का जप करें दोस्तों और हो सके तो इस दिन काला तिल का दान करना चाहिए। शनिवार के दिन काला कपड़ा लोहे की बर्तन काले तिल कम्बल उड़द की दाल अवश्य दान करें। बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनि देव को नीले रंग के पुष्प चढ़ाएं और रुद्राक्ष की माला से ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें। शनिवार के दिन एक कटोरी में तेल लें और उसमें अपना मुख देखे फिर उस तेल को किसी गरीब व्यक्ति को दान कर देना चाहिए। तो दोस्तों कुछ ऐसे उपाय है जो की शनिवार को करने से हमें शनि की कृपा प्राप्त होती है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।